Hello and welcome everyone to my YouTube channel Concepts Cleared. And today is our fourth lecture about the topic force and laws of motion. And today we are going to study about the second law of motion, the second Newton's law of motion. And in the previous lecture, we have talked about first law of motion. So before going on, I would like you all to please like, share and subscribe my channel. So let us go on. So पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी अबाउट फर्स्ट लॉ दैट डज नथिंग बट डिफाइंस इनर्शिया. सो हमारा फर्स्ट लॉ क्या करता है? हमारा फर्स्ट लॉ सिर्फ इनर्शिया को डिफाइन करता है, वो और कुछ नहीं करता है. नाउ अब हम आते हैं अपने सेकेंड लॉ पर. सेकेंड लॉ, ओके. बट सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हमें एक और चीज पढ़नी पड़ेगी, दैट इज मोमेंटम. So, हम पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में. मोमेंटम क्या होता है? आपने कई जगह बड़े जो बड़े आपसे सीनियर्स बच्चे होते हैं उनसे सुना होगा ये मोमेंटम वर्ड. फिजिक्स में बहुत जगह सुना होगा आपने, कहीं ना कहीं फिजिक्स में वर्ड सुना होगा मोमेंटम. सो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है ये मोमेंटम. सो मोमेंटम इट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी. टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, ओके. सो ये होता है हमारा मोमेंटम. व्हाट इज इट? इट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, मतलब एक बॉडी में कितना मोशन है वो होता है हमारा मोमेंटम. अब इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. एक ऑब्जेक्ट की मास और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम मोमेंटम कहते हैं, ओके. सो मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए एरोहेड. सो इट इज मोमेंटम. इट इज डिनोटेड बाय पी. सो ये है हमारा मोमेंटम. सो अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, सो पी इज इक्वल टू एम वी, ये होता है हमारा मोमेंटम. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन है, मोशन में वेलोसिटी का रोल है, ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा. बट इसका मास से कैसे रिलेशन है? How is momentum related to mass? So actually ये directly mass से related नहीं है, ये indirectly related है. So क्या होता है inertia? अब यहाँ पर फिर से हमारा role play करेगा inertia. Inertia भी कुछ quantity of motion ही होता है, okay. हम इसे थोड़ा एक अलग perspective से एक चीज़ को देखते हैं तो हम इसे एक अलग तरीके से देख सकते हैं. सो इनर्शिया भी क्वांटिटी ऑफ मोशन ही होता है एक ऑब्जेक्ट में. लाइक अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसके अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन है. अगर उसका मास ज़्यादा है तो उसके अंदर ज़्यादा इनर्शिया, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन है ना. और ये सब हमने बातें करी थी जब हमने इनर्शिया पढ़ा था. सो ये कुछ इस तरीके से मास से रिलेटेड है, इनर्शिया के थ्रू है, डायरेक्टली नहीं है. सो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड the mass of an object, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी एरोहेड. ये होता है हमारा मोमेंटम. अब इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट मास की ऐसा यूनिट होती है केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड. सो इसकी भी यूनिट ये होगी केजी मीटर पर सेकेंड. इसकी कोई प्रॉपर नाम नहीं है इसकी यूनिट का, इसको बस हम इतना ही कहते हैं, ओके. इसको हम कहते हैं केजी मीटर पर सेकेंड, या हम इसे न्यूटन पर सेकेंड भी कहते हैं, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि नहीं, इसे हम न्यूटन पर सेकेंड नहीं, न्यूटन सेकेंड कहते हैं. सॉरी माय मिस्टेक, इसे हम न्यूटन सेकेंड कहते हैं. न्यूटन इनटू सेकेंड. न्यूटन क्या होता है? यूनिट ऑफ फोर्स होती है, अभी हम पढ़ेंगे, ओके. और हम इसे ऐसा न्यूटन सेकेंड क्यों कहते हैं ये भी अभी हम पढ़ेंगे, जब हम सेकेंड लॉ पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा, ओके.
अगर एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज़्यादा होगा तो या तो उसका मास ज़्यादा या उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। ये बात हमें आ गई समझ में। सो नाउ एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूँ टेस्ट करने के लिए कि आपको ये समझ में आया है या नहीं। लेट अस अज्यूम टू कार्स, ठीक है, दो कार्स है, ओके, सो द ड्राइंग इज अ बिट बैड पर कोई नहीं, समझ जाओ। ये दो कार्स हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है और दोनों को राइड कर गई, ठीक है, दोनों का एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर, ओके, बोथ कोलाइडेड। सो यहां पर कौन सी कार ज्यादा आगे जाएगी, ओके, मतलब ये कार इस कार को आगे धकेलेगी या ये वाली कार इस कार को आगे धकेलेगी, क्या होगा, थिंक क्या हो सकता है। जिस सो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, ओके, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं ये ज्यादा ए ज्यादा धकेलेगी या बी ज्यादा धकेलेगी, मैं आपको दो ऐसा ऑप्शंस दे रहा हूं जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग टेस्ट करेगी, द कार विद अ ग्रेटर फोर्स या कार विद अ ग्रेटर मोमेंटम, ओके, कार विद अ ग्रेटर फोर्स या कार विद अ ग्रेटर मोमेंटम। सो पहली बात तो आप लोग ऐसे आंसर दे दोगे कि अभी अभी हमने मोमेंटम पढ़ा है तो मोमेंटम ही आंसर होगा, बट अगर हम लॉजिकली सोचे सो मैं अभी बता देता हूँ फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। सो जब गाड़ियां चलती हैं तो उनके अंदर फोर्स होता है, मोमेंटम होता है, क्योंकि फोर्स तो होता है पुश और पुल। अब गाड़ी जब चल रही है उसके अंदर कोई पुश या पुल है या उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन है। सो ऑब्जेक्ट जब चल रहा होता है उसके अंदर होती है क्वांटिटी ऑफ मोशन, तो ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर मोमेंटम, पर यह बात भी लॉजिकल है कि जिसके अंदर मोमेंटम ज्यादा होगा उसके अंदर फोर्स ज्यादा होगा, बट फिर भी समझो, ओके। सो अब हमें मोमेंटम तो समझ में आ गया। सो अब मोमेंटम से हम शिफ्ट हो जाते हैं अपने सेकेंड लॉ पे, ओके। अब हमने मोमेंटम पढ़ लिया है तो अब हम बात करेंगे अपने सेकेंड लॉ की। किस चीज का सेकेंड लॉ? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो सेकेंड लॉ, सो ये सेकेंड लॉ क्या स्टेट करता है, व्हाट डज दिस सेकेंड लॉ स्टेट। सो अभी अभी हमने मोमेंटम पढ़ा, इसका मतलब मोमेंटम से ही कुछ रिलेटेड है। सो इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट, ये क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जैसे हमने टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी करा था उसी तरीके से टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ओके, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ओके, सो इट स्टेट्स दैट चेंज ऑफ मोमेंटम या चेंज, इट स्टेट्स दैट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड दिस चेंज इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके। सो ये है हमारा सेकेंड लॉ। अब इसकी जो डेफिनेशन है ये पढ़ के तो चक्कर से आ गए होंगे कि ये क्या है। सो पार्ट्स में समझते हैं, इट स्टेट्स दैट, अब इट स्टेट्स दैट को तो पढ़ने की हमें जरूरत नहीं क्योंकि हमें पता है क्या होता है, सिंपल इंग्लिश, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब जैसे हमने टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी करा था इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, मतलब ऊपर जो चीज चेंज होगी उसके नीचे टाइम से डिवाइड हो गए, ओके, कि हर सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, हर सेकंड में कितना चेंज हो रहा है। अब क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है हमारा मोमेंटम, ओके, सो यहाँ पर हम सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं,
सो हमने यहां पर अपने P के पैरों में लगा दिया F, जिससे होता है मोमेंटम फाइनल, ओके फाइनल मोमेंटम, और P I इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। सो चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम, ओके। सो ये क्या कह रहा है, पी एफ माइनस पी आई, चेंज ऑफ मोमेंटम, इसका टाइम रेट क्या हो जाएगा, टी, ओके टाइम रेट टी हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन आ जाएगा, फोर्स अप्लाइड। अब यहां पर आ गई हमारी फोर्स, ओके। सो यहां पर अब ये जो लॉ है सेकेंड लॉ इट, ये हमें फोर्स के बारे में बताता है, ओके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड दिस चेंज, ये वाली चीज हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इस चीज को पढ़ते हैं, ओके। सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब आपने ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं तो देखा होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब ये डिराइव कैसे होता है, ये इसी रिलेशन से डिराइव होता है, इसी रिलेशन से डिराइव होता है। कैसे होता है, चलो करते हैं डेरिवेशन करते हैं हम इसकी। सो बेसिकली ये लॉ हमें क्या कहना चाह रहा है, पी मोमेंटम बाय टी इज इक्वल टू के एफ, है ना, क्योंकि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं, सो मैं इसको, या हम इसको डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी चेंज इन, डेल्टा का हमने मतलब समझा था चेंज ऑफ या रेट ऑफ चेंज ऑफ कहते हैं हम डेल्टा को। सो हमें पता है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हट जाता है तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, होता है। सो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम इज इक्वल टू के एफ। सो अब हम डिराइव करेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए इस इक्वेशन से, ओके। सो कैसे डिराइव करेंगे वो भी अभी हम देखते हैं। सो यहां पर वो करने से पहले आई नीड टू टेल यू सम थिंग्स। m का मतलब मास होता है पता है, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी होता है ये भी पता है, i का मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है ये भी हमें पता है, ओके। सो pf फाइनल मोमेंटम, pi इनिशियल मोमेंटम, कंफ्यूज मत हो जाना, मैं यही लिखूंगा क्योंकि क्योंकि अगर हम पूरा लिखते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ओके। सो अब अगर हम इसे इस साइड को लेकर आए, सो पी एफ माइनस पी आई बाई टी इज इक्वल टू के एफ, वही बात होगी जो अभी हमने करी थी। अब पी एफ फाइनल मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, अब यहां पर आएगी फाइनल मोमेंटम है तो फाइनल वेलोसिटी आएगी वी, और इनिशियल मोमेंटम है तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, अब मास तो चेंज नहीं होगा ना, मास इज कॉन्स्टेंट, सो एम वी एम यू, सो फाइनल वेलोसिटी एम वी माइनस एम यू बाई टी इज इक्वल टू के एफ। अब यहां से अगर हम ऊपर न्यूमरेटर में एम को बाहर कॉमन ले लें तो सिंपल एलजेब्रा है, अब तो बस फॉर्मूले में इज इक्वल टू के एफ। अब वी माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी हमें पता क्या होता है, v माइनस यू बाई टी हमें पता है एक्सेलरेशन होता है, तो एम ए इज इक्वल टू के एफ आ गया। अब जब हमने एक्सपेरिमेंट्स करे तब हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि k की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे और उससे हमें पता चला कि k की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ जाती है f इज इक्वल टू एम ए, हो गई हमारी इक्वेशन डिराइव, ओके। सो दिस इज आवर सेकेंड लॉ। अब ये तो था इस लॉ को देखने का एक पर्सपेक्टिव, सो अभी हम इस एक ही पर्सपेक्टिव को थोड़ा आगे चलाते हैं, बिकॉज अ फ्यू पॉइंट्स आर लेफ्ट, थोड़े से और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। आई एम इरेजिंग द डेफिनेशन बिकॉज आई बिलीव यू ऑल वुड हैव नोटेड इट डाउन, क्योंकि मैं कहता हूँ कि साथ के साथ नोट्स बनाया करो। सो अब हमें पता चल गया एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए हमें पता चल गया, और एक और चीज हमें पता चली एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू बाई टी, क्योंकि यहाँ पर के की वैल्यू हमें 1 पता चल गई, सो ये भी हमें पता चल गया एम वी माइनस एम यू बाई टी, ये दोनों चीजें हमें पता चल गई है,
नाउ अब यहां पर इसकी हम यूनिट भी डिराइव कर लेते हैं एफ की। सो यहां पर आएगी ये के जी, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके या मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। यहाँ पर एम वी माइनस एम यू, सो ये के जी मीटर पर सेकेंड माइनस के जी मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर ऊपर की जो वैल्यू है इसकी यूनिट आ जाएगी के जी मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। सो यहाँ पर ये सेकेंड एक और वो चढ़ा देगा, सो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। सो दोनों तरफ से हमारे पास आ रही है के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या पर स्क्वायर सेकेंड। सो अब इस यूनिट को, क्योंकि फोर्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमने एक नया नाम दे दिया इसकी यूनिट को, न्यूटन, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल एन से। एक बात ध्यान रखना, जिस भी यूनिट का नाम किसी साइंटिस्ट के बेसिस पर रखा हो, जैसे न्यूटन, ये आइजैक न्यूटन के बेसिस पर रखा हुआ है। पास्कल, पास्कल भी एक साइंटिस्ट थे, ब्लेस पास्कल, उनके बेसिस पर रखा हुआ है। सो जो भी ऐसे साइंटिस्ट के बेसिस पर यूनिट्स रखे होते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, सेकेंड लेटर हमेशा स्मॉल होता है। यहाँ पर एक ही लेटर है तो वो कैपिटल आएगा। और जो किसी साइंटिस्ट के बेसिस पर नहीं रखे होते, जैसे के जी मीटर सेकेंड, उनको हम स्मॉल में लिखते हैं। ओके सो ये छोटा सा एक फिजिक्स का रूल है, याद रखो। सो अब इसकी यूनिट हो गई न्यूटन। न्यूटन, अगर हमें कोई कहे कि डिफाइन वन न्यूटन, व्हाट इज वन न्यूटन? वन न्यूटन इज अ फोर्स इज सेट टू बी वन न्यूटन, ठीक है, नोट डाउन करो। अ फोर्स इज सेट टू बी वन न्यूटन इफ इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अ फोर्स इज सेट टू बी वन न्यूटन इफ इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। ओके सो फोर्स इज सेट टू बी 1 न्यूटन इफ एंड ओनली इफ इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। सो ये थी हमारी न्यूटन की डेफिनेशन। आगे इतनी बात समझ में, सिंपल सी बात थी। हाँ ये बात हमें समझ में आ गई। नाउ अब इसकी एक सीजीएस यूनिट होती है, वो भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होती है डाइन। ओके सो फोर्स की सीजीएस यूनिट ये है हमारी एसआई या एमकेएस यूनिट, ये हमारी सीजीएस यूनिट। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये एसआई एमकेएस सीजीएस क्या है, देन हमने अपने पिछले लेक्चर, पिछले चैप्टर के अंदर ये सब कुछ डिस्कस करा है। यू कैन गो बैक वॉच इट एंड देन कम अगेन। सो जो इसकी सी जी एस यूनिट होती है वो होती है डाइन। ओके डाइन, डाइन क्या होता है? 1 सेंटीमीटर या 1 ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ओके सो केजी को हमने ग्राम में लिखा है एसआई यूनिट में, मीटर को हमने सेंटीमीटर में लिखा है एसआई यूनिट में, सी जी एस यूनिट में। ओके सो हो गया, सेकेंड का सी जी एस सेकेंड ही होता है। सो डाइन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ओके सो ये तो हो गई हमारी डाइन की वैल्यू। अब अगर हमें कोई इसी तरीके से कहे कि डाइन को डिफाइन करो, तो सोचो कैसे करेंगे। जैसे मैंने ये डेफिनेशन बताई है, बस इसके अंदर एस आई यूनिट्स की जगह इनकी सी जी एस यूनिट्स लिख दो। सो वन डाइन, अ फोर्स इज सेट टू बी वन डाइन इफ इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 ग्राम। ओके सो ये बात तो आ गई हमें समझ में। नाउ अब अगर मैं कहूं कि टेल मी हाउ मेनी डाइंस मेक अ न्यूटन, कितने डाइंस अगर हम ऐड करेंगे तो एक न्यूटन बनेगा। सो हम इसको कैसे करेंगे? अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसको डिवाइड डिवाइड कैसे करेंगे? हम इस ऊपर वाली यूनिट को सेंटीमीटर, हम इस,
अब 1 kg है यहाँ पर, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 kg इंटू 1 मीटर इंटू 1 इंटू 1 पर सेकेंड स्क्वायर। 1 kg को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं और 1 सेकेंड स्क्वायर को हम 1 सेकेंड स्क्वायर ही बोलेंगे। और अगर हम नीचे वाले को ब्रेक करें 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 10^10 इंटू सेकेंड -2 ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 10^5। सो 10^5 डाइन इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, 10^5 डाइन इज इक्वल टू 1 न्यूटन। सो अब हमें ये बात भी समझ में आ गई। नाउ अब ये तो था फोर्स को देखने का एक पर्सपेक्टिव, चेंज ऑफ मोमेंटम के पर्सपेक्टिव से, कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो ये तो था हमारा एक पर्सपेक्टिव फोर्स को देखने का। नाउ वी विल बिल्ड अप अ सेकंड पर्सपेक्टिव, क्योंकि एक चीज को हम जितने पर्सपेक्टिव से देखेंगे उतना ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि हमें वो चीज उतने ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। सो एक पर्सपेक्टिव तो ये था, अब हम देखते हैं दूसरे पर्सपेक्टिव से। सो दूसरा पर्सपेक्टिव क्या कहता है सेकंड लॉ में? दूसरा पर्सपेक्टिव ये कहता है कि सेकंड लॉ स्टेट्स दैट व्हेन एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, व्हेन एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, एक्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास m, बॉडी इज एक्सेलरेटेड। ओके, सो मैंने अपने पहले चैप्टर के अंदर जब हमने एक प्रॉब्लम करी थी उसके अंदर मैंने कहा था ना कि जहां पर एक्सेलरेशन आई है मतलब वहां पर फोर्स है। सो ये चीज हमें वही बता रही है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है, या एक अगर एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में है मतलब उस पर फोर्स है, या अगर एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है तो वो एक्सेलरेट हो जाता है। ओके, सो अब यहाँ पर एक दो स्टेटमेंट्स और ऐड हुई, दैट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ओके, इसको वर्ड्स में लिखना, मैं ऐसे सिंबल्स में लिख रहा हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब इस लॉ ने हमें ये भी कहा कि जो फोर्स होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, सॉरी द फोर्स इज डायरेक्टली, हाँ ठीक है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ओके, सॉरी, फोर्स इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, सो अगर फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, यही होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, 8th क्लास के रेशियो प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा है। सो अगर हम इन दोनों चीजों को कंबाइन करें, ठीक है, सो अब हमने देखा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, वी कैन राइट इट लाइक दिस, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे कॉन्स्टेंट आएगा, ए इज इक्वल टू के एफ बाई एम। ओके, सिंपल अलजेब्रा करी, एम ए इज इक्वल टू के एफ, के की वैल्यू 1 है हमने देख लिया था, एम ए इज इक्वल टू एफ आ गया। सो अब आप कहोगे कि यहां पर तो फॉर्मूला सेम आ रहा, क्या नया पर्सपेक्टिव हुआ? यहां पर नया पर्सपेक्टिव है इसकी डेफिनेशन में। ओके, पहले हमने फोर्स को देखा था कि वो चेंज ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है, पहले हमने फोर्स को इस तरीके से देखा कि वो चेंज ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है, बट यहां पर हमने देखा कि फोर्स जो एक्सेलरेशन और मास से रिलेटेड है। ओके, बात एक ही है बट थोड़ा घुमा के पढ़ दिया हमने, पढ़ने से क्या फायदा हुआ, ऐसे हमें नई चीज पता चल गई।
यूनिट फोर्स की सब कुछ सेम रहेगा। ओके सो ये इसके साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है सेकंड लॉ। अब इसके एग्जांपल्स देने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, बट एक दो प्रॉब्लम्स ट्राई करते हैं जिससे हमारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होएगी कंसेप्ट के बारे में और अच्छे से बिल्ड हो। ओके एक दो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, मैं आपको पूरी स्टेटमेंट लिख के नहीं दूंगा, मैं आपको जो जो की पॉइंट्स है, जो की पॉइंट्स है क्वेश्चंस के वो लिख के दूंगा। ओके सो स्टेटमेंट वैसे मैं बोलूंगा, द सेम फोर्स एक्ट्स ऑन टू बॉडीज। ठीक है सो सेम फोर्स टू बॉडीज पर एक्ट कर रही है, सेम फोर्स एक्ट्स ऑन टू बॉडीज ए एंड बी। ओके द सेम फोर्स एक्ट्स ऑन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस। ओके ये बात ध्यान रखना, डिफरेंट मास है ए और बी का, एंड प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, मतलब ए के ऊपर 15 अप्लाई हो रही है, बी 20 की एक्सेलरेशन से अलग हो रहा है। सो नाउ माय क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ मासेस, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ, द सेम फोर्स एक्ट्स ऑन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस ए एंड बी सेपरेटली प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मासेस। करो ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन है, सिंपल है, बट इट विल टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको कितना समझ में आए। सो अब हम करते हैं सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। सो लेट अस से ए का मास m1 है और हम बी का मास m2 मान लेते हैं। ओके ए का मास हमने m1 मान लिया, बी का मास हमने m2 मान लिया। नाउ एक्सेलरेशन हमें पता है 15 और 20 है, सो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमारे पास एक्सेलरेशन है, मास है, इन दोनों को रिलेट करने के लिए हमारे पास फोर्स भी है। सो हमें दिख रहा है हमारे पास मास है, एक्सेलरेशन 1 15 और एक्सेलरेशन 2 20 लिख लेते हैं, और हमारे पास F1 इक्वल टू F2 भी है, मतलब हमारे पास मास है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है। इसका मतलब यहाँ पर हम फोर्स मास एक्सेलरेशन वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं, F=ma वाला। सो F1=m1a1, F2=m2a2। ओके सो F1 और F2 सेम है, इसका मतलब m1a1 m2a2 सेम होंगे, m1a1=m2a2, a1 a2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, m15m1=20m2, रेशियो m1/m2 की ले लो, मतलब 15 को उधर भेज दो, m2 को इधर ले आओ, m1/m2=20/54:3 आ गया। ठीक है सो उनके मास की रेशियो है 4:3, सो ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू 4:3 आ गया। ओके सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये हमारी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा था। ओके सो अब थोड़ा सा एक ट्रिकी सा क्वेश्चन करते हैं जो आपका थोड़ा दिमाग खोल देगा, दैट विल ओपन अप योर ब्रेन्स अ बिट, थोड़ा दिमाग अच्छे से काम करेगा आपका। ओके सो नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन। सो अ फोर्स ऑफ 0.04 न्यूटन। ओके सो फोर्स ऑफ 0.04 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी एज अ रिजल्ट, द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम, स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम 0.3 meter per second to 0.1 meter per second.
A force of 0.04 newton acts upon a body. As a result, the speed of the body changes from 0.3 meter per second to 0.1 meter per second in passing through a certain distance. Okay, so in passing through a certain distance s, find the distance. अब हमें s find out करना है. If the mass हमें दिया हुआ है, mass is given to be 1 kg. Now find it out. मैंने सारी वो लिख दी है. So ये हमारी u है, ये हमारी v है. I am repeating the question once more. The force of 0.04 newton acts upon a body. As a result, the speed of the body changes from 0.3 meter per second to 0.1 meter per second in passing through a certain distance. Find the distance if the mass of the body is given to be 1 kg. Chalo karo. ओके, सो क्वेश्चन इतना भी ट्रिकी नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको पहली हिंट दे दिया यू और वी लिख के, कि यहाँ पर आपको यू और वी लिख दिया मैंने, मतलब अपने एक्सेलरेशन से डील करना है. अब एक्सेलरेशन से डील करने के लिए हमें चाहिए टाइम. ओके, सो टाइम हम फाइंड आउट कर लेते हैं. सो अब हमें दिख रहा है यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली तो एक्सेलरेशन नहीं है, बट हमारे पास एम है, वी है, यू है, एफ है. मतलब यहाँ पर हम जो चेंज इन मोमेंटम वाला रिलेशन था, F is equal to mv minus mu by t, ये वाला रिलेशन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. वैल्यूज रिप्लेस करो, t फाइंड आउट करो, उससे इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाकर s फाइंड आउट कर लो. कितना मुश्किल है, करते हैं. 0.04 is equal to mv, 1 into 0.1 minus mu, 0.3 into 0.1 0.3 अपॉन टी. 0.04 इज इक्वल टू माइनस 0.2 बाय टी. ओके, टी को उधर लेकर जाओ, 0.04 को नीचे लेकर आओ. टी इज इक्वल टू 0.02 अपॉन 0.04. सिंपल मैच कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे करो, नहीं तो डेसिमल को काटो. ओके, टी इज इक्वल टू 20/4 आ जाएगा. टी इज इक्वल टू 5. ओके, ये 20/4 कैसे आया, मैच करोगे अपने आप आ जाएगा. बाकी थोड़ा तो हाथ पैर खुद भी चलाना पड़ेगा. ओके, सो t इज इक्वल टू 5. ये मैं 20/4 कैसे लेकर आया है बता ही देता हूँ. यहाँ से मैंने डेसिमल काटा, इसको एक पॉइंट पीछे ले गया. ओके, क्योंकि यहाँ से एक पॉइंट पीछे लेकर गया, यहाँ से एक पॉइंट पीछे लेकर गया, 0.4. यहाँ से डेसिमल हटाया, यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई करा, 20/4 आ गया. ओके, नहीं तो आप सिंपल वो भी कर सकते हो. अब t हमारे पास आ गया 5. नाउ अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है एस. कौन सी इक्वेशन यूज करें, हमारे पास वी है, यू है, टी है. विच इक्वेशन शुड वी यूज. अब या तो हम एक काम कर सकते हैं, लेकिन हमें अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें अब यहां पर हमारे पास दो चॉइस है. u प्लस वी बाई टू इंटू टी वाली इक्वेशन लगाओ. ठीक है, मैं होता तो ये करता. ये था ब्रेनली मेथड, जिस बंदे के अंदर दिमाग है वो ये इक्वेशन लगाएगा. क्योंकि अब आप ये भी नहीं कह सकते कि मेरे को इक्वेशन पता नहीं है, क्योंकि मैंने बताई है. नहीं पता तो मेरे लेक्चर जाकर देख लो पीछे, मैंने इक्वेशन बताई है. ओके, सो अगर किसी बच्चे में दिमाग होगा, वो सीधा सीधा ये इक्वेशन पुट करेगा, वैल्यूज रिप्लेस करेगा. 0.4 बाय 2 इंटू 5, यहाँ पर ये आ जाएगा 0.1 मीटर शायद. चेक इट, 25/4/4/1 सॉरी, यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर 25 से गया 4, 4 से 4 गया 1 मीटर. ओके, सो द आंसर शुड बी 1 मीटर. ओके, सो सिंपल सा मेथड तो एक ये था कि आपने s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू लगाया, ये कर लिया. अब जिस बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आई, उसको क्या करना चाहिए. वैसे अगर किसी बच्चे में दिमाग है तो वो ये क्वेश्चन लगाएगा, ये है टॉपर्स मेथड. ठीक है,
ये है टॉपर्स मेथड, जो अच्छे बच्चे यूज़ करेंगे। अब जिन बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं है, ये मत सोचो कि आप अच्छे नहीं हो, अच्छे हो, बट थोड़ा सा अपने ब्रेन को डेवलप करो कि आपके दिमाग में सही टाइम पर सही क्वेश्चन आ जाए। ओके, सो जिस बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं है, वो क्या करेगा, वो पहले ए फाइंड आउट करेगा, यहाँ पर पहले वी यू टी से ए फाइंड आउट करेगा, उसके बाद कोई भी इक्वेशन लगाकर, हमारी सेकेंड या थर्ड इक्वेशन लगाकर एस फाइंड आउट कर लेगा। ओके, सो दोनों वे से पॉसिबल है, बट इफ यू नीड टू सेव टाइम ये वाली क्वेश्चन यूज करो। ओके, सो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम थोड़े से और दो तीन क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू आर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड कीप ऑन मेकिंग नोट्स एंड रिवाइज द नोट्स टू स्टे ऑन ट्रैक विद दिस कोर्स। So till then, bye and take care. If you want to connect with us and you have any doubts, you can message us at any time. I will try to answer them as soon as I can. You can message us through all the various social media platforms. All the links are there in the description. And keep on following this course. Keep studying. I will see you in the next lecture. Till then, bye.